Sunstar TV, spreading the light. मसीह में आपको सलाम। और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज आप बेशकीमत लोगों से फिर मुलाकात हो रही है जो इस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं। हो सकता है कि आप पाकिस्तान में हों, किसी और एशियाई मुल्क में, या दुनिया के किसी और मुल्क में भी। मैं आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम जॉन एरिक्सन है, मैं नॉर्वे का शहरी हूं और इस वक्त ऑस्ट्रिया में रिहायश पजीर हूं। खुदावंद ने मुझे एक खूबसूरत शरीक हयात बख्शी हैं जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं। ये भी अपने दिल की बात आप तमाम लोगों से करना चाहेंगी। मसीह में सलाम, मेरा नाम वापसी एरिक्सन है और मेरा ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हम आपसे, जो पाकिस्तान, एशिया और दीगर ममालिक में हैं, बात कर सकते हैं। Driving out all doubt and despair.
एक मर्तबा फिर आप तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आप सभी नाज़रीन जो इस चैनल पर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सभी को यीशु के नाम में खुशामदेद कहता हूँ। यीशु नाम जो सब नामों से आला है, यीशु अल मसीह खुदा का जिंदा और इकलौता बेटा है। ये उस खुदा ताला का बेटा है जिसने आसमान और जमीन को खलक किया, चांद सूरज और हैवानात और समुंदरों को भी बनाया, लेकिन इन सब से बढ़कर उसने आपको बनाया और उसने मुझे भी बनाया एक खास मकसद के तहत, और वो मकसद है खुदा के साथ अबदी रिफाकत। मैं दोस्ताना अंदाज में आपके साथ आज हम कलाम हूं। मेरी गुफ्तगू आज आपके साथ बतौर खुदा के खादम के हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पहले दलाल और मंशियात फरोश था, और मैं बहुत से जिस्म फरोशी के अड्डे भी चला रहा था जो मेरे अपने थे। उन दिनों में मुझे अपना मुस्तकबिल बेहद तारीख नजर आता था, और मैं उस राह पर चल निकला था जहां से वापसी का कोई भी इम्कान नजर नहीं आता। उन दिनों जब मैं रोज सुबह सोकर उठता तो ये सोचता कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और जब मैं रात को सोने के लिए अपने बिस्तर में जाता तो यह सोचता था कि शायद मैं कल सुबह का दिन ना देख पाऊंगा। मेरी उस गुनाह की दुनिया में बहुत सा असलहा था, यह मेरा पिस्तौल है, यह मेरी जिंदगी की कहानी है, दलाल से मुबशर तक। इस किताब का तर्जमा पहले ही 12 जुबानों में हो चुका है, और अगले साल मैं चाहूंगा कि इसका तर्जुमा उर्दू जुबान में भी किया जाए, और हम ये काम अपने दोस्त पास्टर मरकज फिदा के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए करेंगे, जो लाहौर में 7 स्टार टेलीविजन के बानियों चेयरमैन हैं। मुझे इल्म नहीं होता था कि मैं अगली सुबह जाग भी पाऊंगा कि नहीं। मेरे दोस्तों की तादाद रोज बरोज कम होती जा रही थी, उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाता या वो नशे से मर जाते, क्योंकि वो नशा करते ही बहुत ज्यादा थे। मुझे इस बात का कभी इल्म नहीं होता था कि मेरा अगला दिन कैसा गुजरेगा। मौत कभी भी मेरी अच्छी दोस्त तो ना थी, लेकिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मुझे मालूम था कि मौत मेरे ताकुब में है। क्या मैं जब सुबह सोकर उठता था तो मैं खुश होता था? हमेशा नहीं। मैं बदनी तौर पर बीमार था, और मेरे दुश्मन हर वक्त मेरा पीछा करते थे। उस वक्त हिम्मत हार जाना मेरे लिए सबसे आसान था। मैं अपनी आंखें बंद करता और खुद को मौत के हवाले कर देता हमेशा के लिए। मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं बहुत से लोगों के साथ हमकलाम हूं जो इसी हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ना उम्मीदी में। आपकी जिंदगियां आसान नहीं हैं, आप मुश्किलात का शिकार हैं, आपने सब कुछ खो दिया है, पहले आपका खानदान भी था लेकिन अब वो खानदान बिखर चुका है। आप मर्द हैं या औरत हैं, आपका खानदान अब आपके पास नहीं, आपको तलाक हो चुकी है, आप अकेले हैं, आपकी औलाद मुश्किलात का शिकार है, उनको चैन नहीं मिलता क्योंकि अब आपका खानदान टूट चुका है और मुश्किलात में है, आपके पास रुपया पैसा नहीं रहा, आप मुश्किलात में घिरे हैं और अकेलेपन का बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीजों, तन्हाई जहरे कातिल है। मेरे अजीजों, ये तन्हाई आपको उन रस्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देती है जिन पर आपको नहीं जाना है। आप अपनी जिंदगी में इत्मीनान और बहाली के लिए बहुत सी मुख्तलिफ तदाबीर करते रहे हैं।
शायद शराब का सहारा लिया हो, नशा किया हो, जिंसियात में पड़ गए हों और बहुत से रस्ते इख्तियार किए हों। आप भी वही करते रहे हैं जो मैंने किया था। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आप गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, बूढ़े या जवान हो सकते हैं, आपके जहनों में भी वही ख्यालात आए जो मेरे जहन में आते थे। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं आंखें बंद करूं और ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैं इस बोझ से आजाद होना चाहता था, लेकिन सद अफसोस कि असल में ऐसा कुछ भी ना था। मैं आपको रूबरू बताना चाहता हूं कि जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी में मुश्किलात का खात्मा ऐसे मुमकिन ही नहीं है। मैं बताऊं कि आपके जिस्म में और मेरे जिस्म में कोई है जो जिंदा है, जब कुछ सालों के बाद हमारा फानी बदन खत्म हो जाता है तो वो जो आपके अंदर है वो अबदियत के लिए जिंदा रहता है। बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत से लोगों के लिए ये इंतहाई बुरी खबर भी साबित हो सकती है। मरने के बाद आप एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर आपको अबदियत का वक्त गुजारना होगा। अगर आप गुनाह की हालत में मरते हैं तो जैसा बाइबल में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने और मार डालने, और वो चोर दरअसल आपके अंदर ही रहता है। इब्लीस का दूसरा नाम दरअसल चोर है। अगर आपके अंदर वो चोर जिंदा है तो फिर आप यकीनन खुद ब खुद उस जगह पर जाएंगे जहां पर चोर और उसके साथी शयातीन रहते हैं। ये कोई डराने वाली देवमालाई कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है, क्योंकि ऐसा ही होगा। आपकी मंजिल का तायुन आपकी मौजूदा शख्सियत करेगी कि आप गुनहगार हैं या ईमानदार। जब आप हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आपको मालूम होगा। जब आपकी सांसें रुक जाएंगी तो फिर आप अबदियत के लिए एक ही जगह पर जाएंगे, क्योंकि अबदियत में आपकी जिंदगी का खात्मा हरगिज नहीं होता। लेकिन अगर आपकी मौत बतौर ईमानदार होती है तो फिर आप यकीनन उस जगह पर जाएंगे जहां पर सिर्फ ईमानदार रहते हैं। हम उस जगह को आसमान कहते हैं। वो बेहद खूबसूरत जगह है। मैं उस जगह से मुतालिक ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता जहां पर शैतान रहता है। मेरे अल्फाज बहुत कीमती हैं और मैं नहीं चाहता कि ये अल्फाज इब्लीस से मुतलक गुफ्तगू करने पर जाया किए जाएं। मेरा ईमान है कि आज लाखों लोग खुदावंद की तरफ फिरेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। इब्लीस को अपनी जिंदगी में से निकाल दीजिए और यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप एक अच्छी जगह यानी आसमान पर अबदियत अपने खुदावंद यीशु के साथ गुजारेंगे। वहां पर खुदावंद यीशु और खुदा बाप का अबदी राज है। आपसे पहले वफात पा जाने वाले ईमानदार भी वहीं पर हैं और अब वो इस इंतजार में है कि आप भी वहां आए। यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब, उसकी पहली 3 आयात और उसके बाद की आयात में भी हम पढ़ते हैं कि इससे पहले कि यीशु मसलूब किया जाता, उसने अपने शागिर्दों को जमा किया ताकि उनके साथ गुफ्तगू की नशिस्त रखी जा सके।
वो उसके पैरोकार थे। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वो मसीही थे। उसने उनसे कहा कि खौफ ना करो। उसने उन्हें ताकीद की कि खौफ ना करो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं अपने बाप से मिन्नत करूंगा कि वो मकान तुम्हें दे दे। वो खास जगह इसीलिए तैयार की गई है ताकि तुम वहां पर रह सको, और अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं तुमसे कह देता। यह है मसीहियों के लिए एक खास खुशखबरी। मसीही होना क्या है, यह हमें इससे पता चलता है। महज चर्च चले जाना ही मसीही होने की निशानी नहीं। मसीही तो वो होता है जिसने अपने दिल में मसीह को बसा लिया हो और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लिया हो। मैं आपको एक आसान सी मिसाल से समझाता हूं। अगर आप गैराज में सोएं जहां पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, तो वहां पर सोने से आप हरगिज गाड़ी नहीं बन जाते, यह नामुमकिन सी बात है। अगर आप घोड़ों के अस्तबल में सोना शुरू कर दें तो इसे आप कभी भी घोड़ा नहीं बन जाएंगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अगर आप हफ्ते में एक मर्तबा अस्तबल में जाएंगे तो आप उस बात से हरगिज घोड़ा नहीं बन जाएंगे। घोड़ा होने के लिए घोड़े की नस्ल से होना जरूरी है। मसीही होना भी बिल्कुल ऐसा ही है। हफ्ते में एक मर्तबा चर्च जाने से आप मसीही हरगिज नहीं बन जाते। और यह भी याद रखिए कि अगर आपके दोस्त मसीही हैं तो इससे भी आप हरगिज मसीही नहीं बन जाते। आप मसीही सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब आप मेरी तरह से ये इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु, मैं ये इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करता हूं, अपने गुनाहों से तौबा करके ये वादा करता हूं कि तेरे लिए जीऊंगा। और यीशु अल मसीह ऐसे ही लोगों से उस वक्त बात कर रहा था, हम कलाम था ताकि उनकी ढारस बंधाए और मजबूत करे। वो मसीहियों से हम कलाम था और वो आज भी यही कहता है कि खौफ ना करो, हरगिज खौफ ना करो। बतौर एक मसीही के आपको आने वाले हालात से मुतालिक हरगिज भी खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं। आपके नाम तो जिंदगी की किताब में लिखे जा चुके हैं, और जब आप मर जाते हैं जिस्मानी तौर पर तो उसी लम्हे खुदा बाप से एक फरिश्ता आता है जो आपका हाथ पकड़कर आपको आसमानों में ले जाता है ताकि आप खुदा की सूरत को देख सकें और आसमान में उसके साथ अपनी जिंदगी यानी अपनी अब्दियत गुजारने वाले बन जाएं। बतौर एक मसीही के आपको आने वाले कल से खतरा नहीं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर आपका खौफ ज्यादा होना जायज है। अजीजो, इसीलिए तो लोग शराब और आजादाना सोच की तरजीह जिंदगी का सहारा लेते हैं, इसलिए कि वो अपना अंदर का वो खौफ छुपाना चाहते हैं जो उन्हें उनके मुस्तकबिल के हवाले से है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ मुखलिस हों। आप किस लिए खौफ ज्यादा रहते हैं? खौफ तो दरअसल इबलीस के फलों का एक जाहिरी सबूत है। इबलीस का खौफ का बनाने वाला खुद इबलीस है, लेकिन हमारा खुदा यीशु इत्मीनान का बानी है।
यीशु मसीह तो मुसलसल आपको अपने पास बुलाता है। वो मुसलसल ये कहता है कि अपने बोझ और अपने खौफ के साथ मेरे पास आ जाओ और ये सारे बोझ और खौफ मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना इत्मीनान और आराम अता करूंगा। इसीलिए तो यीशु ने फरमाया, खौफ ना करो, तुम हरगिज खौफ ना करो। आप जो लाखों लाख की तादाद में मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुतों के दिल में एक खौफ है। उसकी वजह यह है कि आप उस शख्स के साथ ताल्लुक में नहीं जो इत्मीनान देता है। आप मर्द हों या फिर औरत हों, यीशु अल मसीह आपको इत्मीनान दे सकता है। आप अमीर हों या फिर गरीब हों, बीमार हों या सेहतमंद, कुछ भी हो, आपकी इमारत आपको वो इत्मीनान कभी नहीं दे सकती जो इत्मीनान यीशु अल मसीह दे सकता है। अगर आप गरीब हैं तो इससे वो आपकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जिंदगी की किताब में नाम लिखवाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करें। याद रखिए, आप वैसे ही आसमान पर नहीं जा सकते। अल मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता और ना ही आसमान पर। क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, मुझे कभी इस बात का इल्म नहीं होता था कि मैं अगली सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं। कई बार तो मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता था, लेकिन अपने दिल में मैं इस बात से बहुत परेशान था। मैं शराब नोशी करता था, नशा करता था, और ये मेरा पिस्तौल है। मैं हर वक्त इसे अपने पास रखता था क्योंकि मुझ में इत्मीनान नहीं था, इसलिए मुझे इसकी जरूरत थी। मैं जहां कहीं पर भी रहता पिस्तौल को साथ रखता था। मैंने यूरोप के बहुत से शहरों में अपना घर बनाया, अपनी जिंदगी गुजारी। जुर्म बढ़ता जा रहा था, मैं शराब और नशे में अपना खौफ छिपाने की कोशिश करता था, और क्योंकि मैं एक दलाल था इसलिए मेरे पास पैसा भी वाफिर होता था। लेकिन इनसे मेरा खौफ बिल्कुल भी दूर ना हो सका। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब एक नौजवान लड़की ने मेरी मदद की वो दुआ करने में, जिसके वसीले यीशु मेरे दिल में आ गया। गो कि ये बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन ये कभी मेरे जहन से नहीं निकल सकती। ये तकरीबन सुपहर का वक्त था और मैंने यीशु से दुआ की कि ऐ खुदावन यीशु, मैं तुझे शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं अपने जोर और कुवत में तो उस चोर को जो मुझ में रहता था निकालने से कासिर था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दे दी तो उसने मेरे दिल में आकर अपना घर कर लिया, और फिर वो चोर और वो इबलीस मेरे बदन को छोड़कर अलग हो गया, क्योंकि यीशु से कहीं जोरावर है। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मुझे किसी बात का यकीन नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस बात का यकीन करूं और किसका ना करूं। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत मुतअज्जब था कि मैं सारी रात सोया हूं और आज सुबह उठ गया हूं और एक बड़ा बोझ मुझ पर से उतर चुका था। मैं आपको कभी भी वो बात नहीं बताऊंगा जिसका मैंने शख्सी तौर पर तजुर्बा ना किया हो। मेरी जिंदगी में से खौफ बिल्कुल जाता रहा था
और मेरे अंदर अब वो इत्मीनान था जो इससे पहले मुझे ना तो कभी किसी शराब, ना नशे और किसी और चीज से मिला था। आज मुझे खुशी होगी कि वही दुआ मैं आपके साथ भी कर सकूं। आप जो लोग मुझे पाकिस्तान में, इंडिया में और एशिया के दूसरे ममालिक में बगौर देख रहे हैं, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक में, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ बढ़ा लीजिए मेरे हाथ की तरफ और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। मैं ये दुआ कम रफ्तार में आपके लिए करूंगा ताकि आप भी वही अल्फाज दोहरा सकें जो इस वक्त मैं आपके लिए बोलूंगा। मेरे साथ मिलकर मेरे पीछे ये दुआ कीजिए। ऐ खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बाइबल कहती है मैं वही कर सकता हूं। मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं और मैं तुझसे माफी का तलबगार होता हूं, और इसी लम्हे मैं तुझे अपने दिल में आने की दावत देता और कबूल करता हूं। तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा मुनज्जी है और मेरा शाफी भी है। मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं और अपनी बुरी रविशों से भी बाज आता हूं और अपनी जिंदगी तेरे नाम करता हूं। आमीन। अगर आपने ये दुआ की है तो एक बहुत बड़ा मोजज़ा आपकी जिंदगी में रूनुमा हो चुका। अब खुदावंद आपकी जिंदगी का मालिक बन गया है और इबलीस आपके दिल से जा चुका है। अब आप बुरे कामों से बाज आकर खुदावंद खुदा के लिए अपनी जिंदगी बसर कीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त लाखों नाजरीन अपने बदन में बीमारी और तकलीफ में मुब्तला हैं। ये कोढ़ हो सकता है, अंधापन और कैंसर भी हो सकता है, ये मर्ज टीबी का हो सकता है या फिर और कोई बीमारी हो सकती है। अब मैं दुआ करूंगा कि आप अपने बदन में भी शिफा पा जाएं। यीशु ने अंधी आंखों से कलाम किया कि खुल जाओ, और कोढ़ियों से यीशु ने कहा शिफा पा जाओ, लंगड़ों से यीशु मसीह ने फरमाया उठो और चलो फिरो। और वही अल्फाज बतौर खुदा के खादिम के मैं आपके लिए भी कहूंगा। अपने हाथों को मेरे हाथ की तरफ बढ़ाइए और अपनी शिफा हासिल कर लीजिए यीशु मसीह के कादिर नाम में। ऐ बीमारी, मैं तेरे खिलाफ खड़ा होता हूं। ऐ तमाम तर बीमारियों, तुम खुदा की दुश्मन हो। ऐ बीमारियों, मेरी आवाज सुनो। हर तरह का कोढ़पन, हर तरह का अंधापन, लंगड़ापन, बहरापन यीशु के नाम में इन बदनों से अलग हो जाए। अभी और इसी वक्त इन बदनों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम सभी ने शिफा पाई है। आप सभी नाजरीन जो बदनी तौर पर बीमार हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी बीमारियों को हुक्म देता हूं कि अभी छोड़ दें, अभी इसी वक्त छोड़ दें इन बदनों को यीशु मसीह के पाक नाम में। आमीन। अपनी शिफा कबूल कीजिए। खुदावंद आप तमाम लोगों को बरकत बख्शे। अजीजों, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
watching. 7th